आज मैं कनक भारती, आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब नेस्ट में वेलकम है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर का है क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है, शिक्षा के लक्ष्य से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के लक्ष्यों से संबंधित भारतीय संवैधानिक मूल्यों का वर्णन करें। शिक्षा के बारे में वर्णन करना और उसके उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उसके बारे। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। 26 जनवरी 1950 को भारतवर्ष में नया संविधान लागू हुआ। यह संविधान विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा निर्माण किया गया। इस संविधान में उस समाज की रूपरेखा प्रस्तुत की गई जो कि हमें अपने लिए बनाना था। हमारी शिक्षा के लक्ष्यों में संविधान के चार आदर्श संवैधानिक मूल, जिसमें पहला है न्याय, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा समता तथा बंधुत्व, चौथा है वास्तव में इस कारण शामिल किए गए कि सामाजिक असमानताएं, आर्थिक विभेद तथा राजनीतिक विशेषाधिकार समाप्त किए जा सके। किसी को भी न्याय से वंचित नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक प्रत्येक को विचारों की अभिव्यक्ति की अपनी आस्था और विश्वास में लाने की स्वतंत्रता होगी तथा प्रत्येक की आत्म प्रतिष्ठा को मान्यता दी जाएगी। इन सभी का शिक्षा के दृष्टि से बहुत महत्व है, ये तो है ही। फिर आगे देखते हैं, शिक्षा के लक्ष्यों से संबंधित संवैधानिक मूल्य निम्नलिखित हैं। पहला है न्याय, जस्टिस। भारतीय संविधान में वर्णित मूल्य न्याय का तात्पर्य किसी अदालत द्वारा किए जाने वाले न्याय से है। यहाँ स हो गया है, आप लोग इसको यू लिखिएगा अपने नोट्स में, से नहीं है बल्कि न्याय की अवधारणा कुछ विस्तृत रूप से हमारे संविधान द्वारा अपनाई गई है। संविधान न्याय को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में प्रदान करने पर बल देता है क्योंकि इन सभी क्षेत्रों के न्याय से ही शिक्षा का अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त हो सकता है। ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है। फिर न्याय के अंतर्गत एक सब पॉइंट है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है समाज में असमानताओं को दूर करना तथा सामाजिक समता की स्थापना करना। यह प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा द्वारा समाज में उचित उचित स्थान प्राप्त करने का विश्वास दिलाता है तथा इस समान स्तर को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने की प्रेरणा भी देता है। यदि हम शिक्षा में सोशल जस्टिस को के वैल्यू का अनुसरण करते हैं तो हमें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का संगठन इस प्रकार करना चाहिए कि उनके डोर कंट्री के सभी, मतलब उनके द्वार जो है कंट्री के किसी भी सिटीजन के लिए ऑलवेज ओपन रहे, मतलब हमेशा खुला रहे। अतः इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग स्कूल्स में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव सोसाइटी के विभिन्न वर्गों या जातियों में नहीं किया जा सकता। सेकेंड इसका सब पॉइंट है आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक नागरिक को संपत्ति अर्जित करने का, रखने का और उपयोग करने का अधिकार है एवं कोई भी व्यवस्था अपने विकल्प के अनुसार अपना सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम आर्थिक न्याय की बात करें तो इसका अभिप्राय है कि राज्य को भी किसी भी प्रकार की जीविका चुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अगला इसमें पॉइंट है राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का हो उसे वोट देने का अधिकार है। वह राज्यसभा या लोकसभा के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकता है। शिक्षा की दृष्टि से भी यह प्रावधान महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिकार ने शिक्षा व शिक्षकों के ऊपर जनतंत्र के लिए उत्तम नागरिकों को बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया ताकि उन्हें प्रदत्त वोट के अधिकार का दुरुपयोग न हो सके। सेकेंड पॉइंट है मेन पॉइंट स्वतंत्रता, लिबर्टी। हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार उन्हें भाषण देने, विचार प्रकट करने, कहीं भी घूमने, संपत्ति खरीदने और बेचने और किसी भी प्रकार को चुनने की स्वतंत्रता। परंतु इन पर तब बंधन भी लगाए जा सकते हैं जब इससे किसी संघ या संस्था को अशांति फैलाने का डर हो या देश की प्रभु सत्ता या अखंडता अखंडता इंटीग्रिटी के लिए खतरा पैदा हो।
शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग देश में रहने वाले एवरी सिटीजन उचित एजुकेशन प्राप्ति हेतु फ्री है। संविधान की धारा 21A द्वारा शिक्षा के अधिकार को भी इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब लागू किया गया, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट का यह कर्तव्य है कि स्टेट प्रत्येक बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा की समान सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। हम सभी जानते हैं 6 से 14 साल तक मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। थर्ड पॉइंट है समानता, इक्वालिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में निहित यह कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू कंट्री के लॉ के सम्मुख सबको इक्वल मानता है। सम्मुख मतलब उसके सामने। इसके अनुसार प्रत्येक सिटीजन को लॉ से संरक्षण मिल सकता है तथा कानून किसी भी सिटीजन के साथ कास्ट, क्लास या रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं कर सकता है। समता के इस राइट को, अधिकार को पर्सन तभी बिहेव में ला सकता है जब वह पूर्ण एजुकेटेड हो। ये तो बात सही है कि जब तक हम एजुकेटेड नहीं रहेंगे तब तक हमें कैसा व्यवहार करना है ये पता नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एजुकेटेड पर्सन ही जानता है कि हमें सामने वाले के साथ बिहेव कैसा करना है, जो इलिटरेट है वो भी अच्छी तरीके से जानता है, बट उसे करने आना चाहिए। इक्वालिटी पर कुछ महान दार्शनिक के मत निम्नलिखित हैं। अकॉर्डिंग टू जेफर सन, देयर इज नथिंग मोर अनइक्वल देन इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ अनइक्वल पीपुल। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज मेसन 1775, वी कम इक्वल्स इन टू द वर्ल्ड एंड इक्वल्स शैल बी गो आउट ऑफ इट। थर्ड है अरस्तु का, अकॉर्डिंग टू अरस्तु द ओनली स्टेबल स्टेट इज द वन इन विच ऑल मैन आर इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के सामने सभी मनुष्य एक समान है। शिक्षा के संबंध में इसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के आधार पर शैक्षिक अवसरों की समानता की संकल्पना कोठारी आयोग ने 1964-66 में स्कूल लेवल के लिए की, वह समान विद्यालय प्रणाली की बात कही। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के बेस पर एक निश्चित स्तर तक हर शिक्षार्थी को बिना किसी जात पात, धर्म स्थान या लिंग भेद के लगभग एक जैसी अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने की डिक्लेरेशन की गई थी, मतलब घोषणा की गई थी। लास्ट पॉइंट है भ्रातृत्व या बंधुत्व, मतलब फ्रेटर्निटी से संविधान में निहित इस मूल्य द्वारा राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा को मान्यता दी गई है। स्वतंत्रता, समता तथा न्याय के मूल्य तो भारतीय संविधान में निहित है ही, परंतु एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता के बीच में रुकावट भी बन सकती है, तो इस दिशा में स्वतंत्रता का अधिकार अनुमन्य नहीं की जा सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे संविधान में व्यक्ति की मान मर्यादा को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, किंतु यह राष्ट्र की एकता के बीच में रुकावट नहीं बनना चाहिए और इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति की स्थान स्वतंत्रता पर कुछ सीमा तक अंकुश अवश्य होना चाहिए। शिक्षा का कार्य नई पीढ़ी को इसी बंधुत्व के मूल्य से परिचित कराना है कि बंधुत्व हमारे संविधान का इंटीग्रल पार्ट है। अतः एजुकेशन द्वारा हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो जिसमें अधिकतम व्यक्ति अधिकतम प्रगति कर सके। कंक्लूजन आप यहाँ अपने मन से लिख सकते हैं सारे पॉइंट्स के बेस पे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों बहुत से लोगों को फायदा मिल सके। धन्यवाद।